नमस्ते भारत का लेट नाइट, मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पर जिसमें एक बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सब लोगों को दी थी। तब वो बिग ब्रेकिंग थी, अब तो सबको पता चल चुकी है और बहुत हर्षोल्लास चल रहा है। लोग बड़ी खुशियां मना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बहुत बड़ा आतंकी पकड़ लिया गया हो। सोशल मीडिया पर तमाम रिएक्शंस मैं सुबह से देख रही हूं, हालांकि मैं बहुत व्यस्त थी पूरा दिन, सुबह से लेकर शाम तक मेरे बहुत सारे कमिटमेंट थे। आज संडे संडे जैसा लगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही मैं फ्री हुई मुझे लगा कि मुझे जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी जानकारियां हैं, वो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सब लोगों को दे दूं। देखिए, मैं बार बार बोलती हूं ना, सत्यमेव जयते और अति सर्वत्र वर्जयेत, अति की इति अवश्य होती है। ये बात किसी भी इंसान को कभी नहीं भूलनी चाहिए, चाहे आप कहीं पर भी पहुंच जाओ। देखिए, ऊंट पहाड़ के नीचे जरूर आता है और यही सचिन वाजे के केस में हुआ है। सचिन वाजे को अब एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है, 25 मार्च तक केस है। 25 फरवरी को मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर जो एक अबेंडेंट स्कॉर्पियो मिली थी, जिसमें जिलेटिन स्टिक्स मिली थी, वो केस है। यानी कि एक आतंकी हमला कराने का केस है, बहुत सीरियस केस है। और मैं हमेशा जब से इस बारे में मैंने बात करी है, आप मेरे सारे वीडियो सुनिएगा, मैंने ये बोला कि ये केस महज एक हत्या का नहीं है, एक व्यक्ति की मृत्यु का नहीं है, ये केस देश के साथ गलत करने का है, देश में आतंकी हमले को करवाने का है, देश में दहशत और भय फैलाने का है, देश के अंदर अस्थिरता फैलाने का है। और हो सकता है इसके तार कहीं और भी जुड़े हुए हैं, इसलिए एनआईए को इस केस को अपने हाथ में लेकर के बिल्कुल बारीकी से अंदर तक घुस करके इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और जो लोग भी इस केस के अंदर इन्वॉल्व हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो इस देश के गुनहगार हैं। और देश के अंदर किसी प्रदेश में अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं चल सकता। हम कानून से और संविधान से ऊपर हैं, ये एटीट्यूड नहीं चल सकता। और ये एटीट्यूड बहुत समय से महाराष्ट्र के अंदर हम देखते आ रहे हैं, और मिस्टर सचिन वाजे का तो ये एटीट्यूड डे वन से देखा गया। जिस व्यक्ति को 16 वर्ष के लिए हाई कोर्ट ने सस्पेंशन का ऑर्डर दिया हो, उसको महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार और वहां के मुख्यमंत्री ओवरनाइट ऐसे चुटकी बजाते ही रीइंस्टेट कर देते हैं, बहाली कर देते हैं कोविड की का हवाला दे करके, और उसके बाद उनको क्राइम ब्रांच में भेज देते हैं, हेड बना देते हैं, और ऐसे ऐसे केसेस उनको दे देते हैं जिनसे उनको खतरा हो सकता है, उनको परेशानी हो सकती है। तो क्या ये बात जनता के समझ में नहीं आती है कि किस इंटेंशन से और किस सोच के तहत सचिन वाजे की बहाली की गई? अगर ये लोग अब खुद आकर के बोल दें तो बहुत अच्छी बात है। अब इस केस में भानुमति का पिटारा हो गया है सचिन वाजे, उसामा बिन लादेन ठाकरे जी के, जो कह रहे थे कि कोई उसामा बिन लादेन थोड़ी ना है जिसको ऐसे पकड़ दिया। अरे, इतनी बड़ी घटना व्यक्ति ने करा दी, पूरे का पूरा एक हमला करवाने के लिए, एक आतंकी धमाका, मुकेश अंबानी जी जो इतने बड़े भारतवर्ष के उद्योगपति हैं, उनके घर के नीचे करा दिया। तो आम जनता के आगे पीछे तो मतलब कुछ भी करवा सकते हैं ये लोग, सचिन वाजे तो किसी को भी उठा सकता है। आप सब लोगों को याद है ना कि किस प्रकार से, किस बर्बरता के साथ ये अर्णब गोस्वामी जी के घर में घुसे थे, AK-47 की ब्रिगेड लेकर के, और उनको घसीटते हुए उनके घर से लेके गए आए थे। कोई गलती नहीं थी अर्णब गोस्वामी जी की, कोई गलती नहीं थी। गलत तरीके से एक पुराना केस खोला गया, जो केस बंद हो गया, जिसमें मिस्टर गोस्वामी का कोई लेना देना नहीं था। एरोगेंस देखना चाहिए था, खदेड़ करके लेकर के आए, उनकी पत्नी के साथ बदतमीजी करी, उनको भी बालों के साथ खदेड़ा गया, उन पर केस डाले, उनके बेटे पर केस डाले, और सब कुछ गलत इल्लीगल तरीके से। ये लग रहा था कि इनको ये लग रहा है कि भैया मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं भगवान हूं, मैं ही हूं, जो भी हूं अपुरिच भगवान है, वो एक डायलॉग है ना, वो वाली चीज इनका इनके एटीट्यूड में दिख रही थी। लेकिन अब हो गया है, अब इनको 25 मार्च तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है। अब एक एक चीज निकल करके आ रही है, जो जानकारी मिल रही है उसमें यह पता चल रहा है कि सचिन वाजे ऑलरेडी कुछ चीजें कबूल कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि मैं तो भाई एक स्मॉल फिश हूं, मेरे अलावा कुछ और पुलिस ऑफिसर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, कुछ शिवसेना के नेता हैं। तो ये अब बहुत खतरनाक बात है, ये एक बहुत डिफरेंट पिक्चर इमर्ज होने वाली है, और ये पता चलना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो कौन से ऑफिसर्स हैं या वो कौन से सारे के सारे शिवसेना के नेता हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट इस केस में है, मनसुख हिरेन के केस में है, या बाकी किसी भी इल्लीगल और गलत केस जो हुआ है मुंबई के अंदर, उसके अंदर है। इंडियन मुजाहिदीन के साथ भी इस केस के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं हिंदुस्तान, आप कितना खतरनाक मामला है, और यहां ये चल क्या रहा है भाई महाराष्ट्र के अंदर, कर क्या रही है ये तीन तिगड़ी झोल झपाटे की सरकार। ये जिस तरीके से दिखता है वैसा नहीं है, ये बहुत भयंकर कहानी वहां अंदर ही अंदर चल रही है। इसीलिए कहते हैं ना, कई कई लोग होते हैं सुमड़ी में गुमड़ी करके निकल जाते हैं भोली सी शक्ल बना करके, एग्जैक्टली वही वहां पर हो रहा है। अब आप देखिए, उस दिन दो गाड़ियां
एंटेलिया के नीचे गई थी, एक स्कॉर्पियो जो मनसुख हिरेन की है, जिसको उनकी पत्नी ऑलरेडी बोल चुकी थी अपनी कंप्लेंट में कि 4 महीने से सचिन वाजे के पास थी, सचिन वाजे उसका इस्तेमाल कर रहे थे। अब सचिन वाजे ने एनआईए के सामने कबूल कर लिया है कि हाँ हम उस गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है भाई, अब एविडेंस का जमाना है, कोई झूठ नहीं बोल सकते हो तुम। तो वो पकड़ लिया गया है, वो भी पता चल गया है कि ये स्कॉर्पियो उनके द्वारा इस्तेमाल हो रही थी। उसके अलावा जो दूसरी गाड़ी थी इनोवा, इनोवा भी आई थी वहां पे, जिस इनोवा में स्कॉर्पियो का ड्राइवर बैठ करके भाग गया था वहां से, मौकाए वारदात से स्कॉर्पियो को वहां पर पार्क करने के बाद। अब पता चलता है एनआईए ने खोज लिया है, अभी तक तो वो नहीं मिल रही थी ना, स्कॉर्पियो नहीं मिल रही थी मुंबई पुलिस को। मुंबई पुलिस कह रही थी हमें नहीं पता, हमने तो उसको इस टोल नाके पे देखा, उस टोल नाके पर देखा, ये हो गया वो हो गया, पर मिल नहीं रही थी। लेकिन कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस को नहीं मिली, एनआईए को मिल गई, कोई टेंशन नहीं है। और वो कहते हैं कि वो जो इनोवा है वो मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच की है, और उसको कई बार पार्क देखा गया था मुंबई के जो सीपी हैं उनके दफ्तर के आसपास, और वो इन लोगों के द्वारा इस्तेमाल हो रही है। अब आप समझिए खेला हो बे, खेला जो है वेस्ट बंगाल में तो हो नहीं हो रहा है, खेला पूरे का पूरा हो बे इन महाराष्ट्र, पूरा खेल चल रहा है। ये आप समझ रहे हैं, मनसुख हिरेन की हत्या समुद्र में की गई, मनसुख हिरेन गायब हो गए, वही मनसुख हिरेन जिनको सचिन वाजे लगातार प्रेशराइज कर रहे थे कि तुम ओन अप कर लो ये सारी चीजें, अरेस्ट हो जाओ, हम तुमको बेल दिलवा देंगे। मनसुख हिरेन से लेटर लिखवाए सचिन वाजे ने, किसको, मुंबई के सीपी यानी परमवीर सिंह को, और वहां के मुख्यमंत्री मिस्टर उद्धव ठाकरे जी को। इन लोगों को चिट्ठियां लिखवाई, और उसके बाद जब केस हाथ से निकलता हुआ लगा, देवेंद्र फडणवीस जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में बात करनी शुरू करी, मनसुख हिरेन की सुरक्षा मांगी, तो मनसुख हिरेन को साफ कर दिया। यही उनकी पत्नी भी बोल रही है, यही उनके भाई भी बोल रहे हैं, यही सारी जो कहानी है वो निकल करके सामने आ रही है। और ये सारा जो एनआईए केस लेकर के अपने हाथ में बैठी है वो पुख्ता सबूतों के आधार पर बैठी है। लेकिन देखिए ना आप इन लोगों की हिपोक्रेसी और बेशर्मी देखिए, आकर के बोल रहे हैं कौन, संजय राउत, कि ये तो बेचारा बड़ा शरीफ आदमी है, सचिन वाजे बहुत ही ईमानदार आदमी है, उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया, उसको क्यों पकड़ लिया। एक व्यक्ति इतने बड़े पूरे केस के पीछे है और आप कह रहे हो कि एनआईए को उसको पकड़ना नहीं चाहिए था, क्या करवा रहा था, धमाका ही तो करवा रहा था, देश के कितने बड़े उद्योगपति के घर के नीचे धमाका ही तो करवा रहे थे भाई। अगर उसका कोई लेना देना नहीं था सचिन वाजे का, तो उड़ते तीर की तरह कैसे पहुंच गया सबसे पहले वहां पर, चिट्ठी तुमको मिल गई, मनसुख हिरेन से संबंध, मनसुख हिरेन से फोन पर बातें कर रहे हो, वो स्कॉर्पियो जिसमें जिलेटिन स्टिक मिली वो 4 महीने से इस्तेमाल कर रहे हो, अब तो इनोवा भी क्राइम ब्रांच की है, सारी कहानी हो गई। लेकिन भाई ना 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 ना, ये पाक साफ व्यक्ति हैं, इनके बारे में कुछ मत बोलो। और बाय द वे किरीट सोमैया जी ने एक और खुलासा किया है, और वो ये है कि ये जो व्यक्ति है ना, इनके पाक साफ ईमानदार सचिन वाजे, जिनकी रातों रात बहाली कराई गई थी, जिनको विद इन नो टाइम ऐसे रीइंस्टेट किया गया था, उनके ऑलमोस्ट छह बिजनेस चलते हैं, ये बात खुद से किरीट सुमैया जी ने बोली है। भाई एक ईमानदार जो कॉप है, एक इंस्पेक्टर है, उसके 6-6 बिजनेसेस कैसे चल रहे हैं साहब, जरा समझा दो देश को, द नेशन वॉन्ट्स टू नो, प्लीज एक्सप्लेन। अब वही अब सोशल मीडिया में आम जनता खुश है, क्योंकि वो कल से, मैं अभी सुबह से आप लोगों के ट्वीट्स और कमेंट्स नहीं देख पाई थी, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी आज। लेकिन आज जब मैं वापस आई, मैंने अपनी डिबेट समाप्त करी, उसके बाद जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि कितना जबरदस्त सेंटिमेंट निकल करके बाहर आ रहा है पब्लिक का, और कितना खुशी उन लोगों को हो रही है कि जिस व्यक्ति ने मिस्टर गोस्वामी के साथ इतना गलत किया, जिस व्यक्ति ने मिस्टर गोस्वामी के ऊपर इतनी बुरी प्रताड़नाएं करी, एक फेक टीआरपी केस में उनके पीछे पड़ गए, उसके कर्म भगवान ने विद इन नो टाइम उनको दिखा दिए। देखिए वो कहते हैं ना कि जो बोते हो तुम काटते हो, लेकिन इतनी जल्दी काटेंगे इस केस में ये किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन हो गया है। अब इनका कुछ नहीं हो सकता है, अब एक एक सच्चाई बाहर निकल करके आएगी, और ये बहुत ही जबरदस्त वाला केस
होने वाला है। और मैं तो बिल्कुल इस पक्ष में हूं कि सारे वो जितने भी जो कॉप्स हैं या जो भी सीनियर लीडर जो कोई भी हैं, एक एक का नाम निकल करके आना चाहिए और उनको भयंकर से भयंकर सजा होनी चाहिए। देश से ऊपर कोई नहीं, कानून से और संविधान से ऊपर कोई नहीं है, और जो देश के साथ गद्दारी करेगा उसकी सजा कड़ी से कड़ी तय की जाएगी इस देश के कानून के द्वारा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगी कि आप लोग अपने कमेंट्स मुझे लिख करके जरूर भेजिएगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिख करके भेजिएगा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आज थोड़ा लंबा वीडियो बन गया है, सो मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। स्टे ब्लेस्ड।